So as we are talking about descriptive statistics and major functions involved in descriptive statistics, we already have talked that de, descriptive statistics mein major functions: are data to organize, karna, uh, summarize, karna and present, present. And we are presenting the data. And we have one way is to present the data in a tabular form, in a frequency distribution, in cumulative frequency distribution, or in a grouped frequency distribution. प्रेजेंट करने का एक तरीका जो ज़्यादा स्मार्ट है वो ग्राफ्स में डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ्स में हमारे पास बहुत सी ऑप्शन हैं लेकिन अंडरग्रेड लेवल पर यूजुअली हम हिस्टोग्राम uh, और पाए uh, चार्ट और पिक्चर लाइन चार्ट की बात करते हैं लेट्स जस्ट डाइजस्ट द आइडिया ऑफ हाउ द ग्राफ्स आर बिल्ट और फिर इसको हम एडवांस लेवल पे लेकर के ग्राफ्स के चैप्टर में जाएंगे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैंने पिछले एग्जाम्पल आपको दी है आपके पास डेटा वही है टू वन थ्री फोर टू थ्री फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऑब्जरवेशन हैं फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है कि क्लास में स्टूडेंट्स का स्कोर कैसे आ रहा है हमेशा हमारा जो ग्राफ होता है उसके दो होते हैं एक वाई एक्सिस होता है और एक हमारे पास एक्स एक्सेज होता है वाई एक्सिस पे हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जो अभी आपने लर्न की है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब नंबर ऑफ पर्सनस बताते हैं ईच ग्रुप और पर्टिकुलर स्कोर तो उसको हम वाई एक्सिस पे और हमारे जो स्कोरस होते हैं वो हमेशा हमारे एक्स एक्सिस पे होते हैं सो so, अब आपने इसमें ये रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं बेसिकली स्ट्रोग्राम विदाउट एनी गैप बिटवीन द बार्स हम इसमें बता सकते हैं कि एक से दो तक कितने लोग हैं फिर हम बता सकते हैं थ्री फोर और फाइव फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे स्कोर्स हैं और आप इसमें बता सकते हैं कि टू आपके वन और टू लोगों ने लिए हुए हैं बल्कि हमारे पास वन भी है तो पर से मैं वन इधर ड्रॉ कर देती हूँ वन हमारा स्कोर वन बंदों का इधर हम फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लेंगे वन टू एंड थ्री सो so, हमारा जो वन का स्कोर है मे भी इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये हमारे स्कोर्स हैं वन का स्कोर हमारे एक स्टूडेंट का आया है तो उसकी मैं बार की हाइट उतनी कर दूंगी जितना कि मेरी फ्रीक्वेंसी है तो आई एल डू इट लाइक वन टू का स्कोर मेरा जो है वो वन और टू लोगों का है तो इसकी मैं हाइट जो है वो टू के बराबर कर दूँगी और थ्री का मेरा भी टू लोगों का है तो मैं इसकी भी हाइट जो है वो फोर मेरा वन बंदा स्कोर कर रहा है तो मैं इसकी हाइट ये फ्रीक्वेंसी वन है तो आई विल डू इट लाइक दिस और फाइव का स्कोर भी एक बंदा ही दे रहा है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बन जाएगा सो दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल हिस्टोग्राम वेयर आई हैव प्रेजेंटेड द डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की टाइप ऑफ टेंडेंसी नज़र आ रही है कि आपका एक्सट्रीम्स पे कम है और मिडल में स्कोर आपका ज्यादा है सो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ हिस्टोग्राम व्हिच इज़ अ ग्राफिकल प्रजेंटेशन रेक्टेंगुलर बार्स विदाउट एनी डिस्टेंस बिटवीन द बार्स इट प्रजेंट द सेम इंफॉर्मेशन एज अ फ्रिक्वेंसी टेबल बट जस्ट द डिफ्रेंसिस के वो नंबर्स में हम फ्रिक्वेंसीज में देते हैं लेकिन ये हमारे पास Graph mein hota hai. And you definitely know, okay, graph literacy or number key literacy, they are different., ke some people are smarter in understanding numbers, but they are really you know kind of find difficulty in interpreting the graphs or understanding the graphs. So accordingly, being a scientist, being a psychology student, you can decide ke how you going to present the data depending upon who is the audience, uh, what is their level, and what they are more comfortable in understanding that data.